KBPS 뉴스. भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने मोहम्मद इदरीश पूर्व जेल विजिटर को बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष। विधानसभा 27 की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पीपलसाना थाना भोजपुर के बड़े किसान नेता और सपा के पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीश को किसान सम्मान समारोह में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश मनोनीत किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए मोहम्मद इदरीश प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने कहा कि देश की सरकार लगातार किसानों पर जुल्म कर रही है। बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, किसान ट्यूबवेल का इस्तेमाल किस तरह करे, खाद का रेट बढ़ा दिया गया, गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा, धान की फसल का रेट सही नहीं मिला और ऊपर से किसानों को गुलाम बनाने हेतु 3 नए काले कानून किसानों पर लाद दिए गए जो जुल्म की पराकाष्ठा है। हमने कृषक हित में ऐसे काले कानूनों का सदैव विरोध किया है और लगातार करते रहेंगे। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भाकपा महाशक्ति देश के किसानों के साथ है। हमने प्रदेश में ऐसे लोगों को अपने साथ भाकपा की जिम्मेदारी दी है जो किसान के वास्तविक हितैषी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। मोहम्मद इदरीश को आज हमने भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बनाया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोहम्मद इदरीश पूर्व जेल विजिटर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर किसानों को राहत दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। जिले से लेकर प्रदेश तक किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री शाकिर अली अंसारी ने कहा कि देश की सरकार के जुल्म का जो किसानों पर 3 बिल लाद कर किया गया है, हम सभी किसान नेता विरोध करते हैं और करते रहेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग वह किसान उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखी। साथ में रहे ठाकुर ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री शाकिर अली अंसारी, प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री बंटी सिंह चौहान, नफीस पाशा, लईक अहमद, समाजसेवी मोहम्मद उमर, शब्बीर हुसैन, रुक्षत पाशा, हाजी अजीम कुरैशी, आलम अंसारी, बाबू अंसारी, नरेश चंद्र भूषण मिश्र, रियाज आलम, सलीम शाह, समीम बाबू, जुनैल आबिदीन आदि उपस्थित रहे। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्मेंद्र ठाकुर जी हैं। इन्होंने हमें प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बनाया है। मुझे उपाध्यक्ष बनाने पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस भरोसे से इन्होंने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का बनाया है, मैं पूरी उम्मीद के साथ इनसे कहता हूँ कि ईमानदारी और निष्ठा से पूरा मैं कार्य करूँगा और पूरे किसानों की, मैं वैसे भी क्षेत्र में समस्या हर समय किसानों की उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। और अब इनके देख रेख में हम पूरे किसानों की लड़ाई पूरी लड़ेंगे और हम सब मिलजुल कर इसको राज्य स्तर पर क्या पूरे भारत स्तर पर हम किसानों के हित के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। आप सब किसानों के सहयोग से इसको पूरे हम मुद्दे को, जो भी छोटे बड़े मुद्दे होंगे, हमेशा हम इसको उठाते रहेंगे। जो आंदोलन चल रहा है, जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, हमारी महाशक्ति पूरे यूनियन की तरफ से हम पूरे धरना प्रदर्शन हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे और जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी।